गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। जो हमारा टॉपिक चला हुआ चला फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में फ्यूल टैंक के बारे में बात हुई थी, फ्यूल पाइपलाइन और वाटर सेपरेटर। आज हम बात करेंगे फ्यूल फीड पम्प, फ्यूल फीड पम्प के बारे में बात करेंगे। फीड पम्प का काम क्या है? फीड पम्प जो है वो फ्यूल टैंक से फ्यूल को खींचता है और प्रेशर के साथ एफआईपी पंप की फ्यूल गैलरी में सप्लाई करता है। आइए शुरू करते हैं फीड पंप की इंट्रोडक्शन। फीड पंप फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंतर्गत आने वाला पार्ट है फीड पंप फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर बोल्ट द्वारा माउंट रहता है यह फ्यूल इंजेक्शन पंप की कैमशाफ्ट से ड्राइव प्राप्त करता है आइए बात करते हैं अब इसकी नेसेसिटी की। डीजल फ्यूल को टैंक से FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप की फ्यूल गैलरी तक भेजना आवश्यक है। इसलिए फीड पंप का उपयोग किया जाता है आइए अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन नंबर वन, फीड पंप फ्यूल को टैंक से खींचता है या शक करता है और नंबर टू, डीजल फ्यूल को प्रेशर के साथ एफआईपी की फ्यूल गैलरी में भेजता है। ये थे इसके फंक्शन। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स की, इसके प्रकार। फीड पंप का जो काम है वो फ्यूल को फ्यूल टैंक से खींचना और प्रेशर के साथ फ्यूल इंजेक्शन पंप की फ्यूल गैलरी में भेजना है।
टाइप्स टाइप्स ऑफ फीड पंप टू टाइप्स. नंबर वन डायफ्राम टाइप. डायफ्राम फीड पंप नंबर टू प्लंजर. प्लंजर टाइप पंप दो प्रकार के फीड पंप हैं, डायफ्राम टाइप और प्लंजर टाइप. सबसे पहले बात करेंगे हम डायफ्राम टाइप पंप की. ये दोनों डायग्राम में बनी है, ये एक ये है एक ये है. ये जो नीचे डायग्राम बनी है ये डायफ्राम टाइप पंप है. डायफ्राम टाइप पंप और ये प्लंजर टाइप पंप. आइए सबसे पहले बात करते हैं डायफ्राम टाइप पंप की. डायफ्राम टाइप पंप के अंदर एक डायफ्राम होती है, ये फ्लेक्सिबल डायफ्राम रबर की डायफ्राम बनी होती है. ये दोनों तरफ इसके बॉडी के साथ टच हैं, बीच में इसके साथ शाफ्ट जुड़ी है और ये बंद की हुई है. ये अप डाउन मूवमेंट करती है. बच्चों की बंदूक आपने देखी होगी, छोटी सी एक बच्चों की गन आती है जिसके आगे एक रबर कैप आगे लगी होती है जिसका इस तरफ का शेप रहती है. इसको जब ऐसे दबाया जाता है, यहां से आगे से जब दबती है तो इसमें जब ये दबती है तो इसमें वैक्यूम बनता है और चिपक जाती है किसी प्लेन सरफेस के ऊपर. वैसे ही जो ये चीज है ये डायफ्राम है, जब इसको दबाया गया तो इसमें खाली जगह होगी, वैक्यूम पैदा होगी और वहां पर फंस गई. वैसा ही काम ये डायफ्राम यहां पर करती है, ये आगे पीछे मूवमेंट करती है. सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की. सबसे पहला कंपोनेंट जहां से इसको ऑपरेट किया जाता है तो ये है कैम. FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप की कैम, इसे असेंट्रिक कैम कहते हैं. असेंट्रिक कैम डायफ्राम पंप भी इसी से ऑपरेट होता है, प्लंजर टाइप पंप भी असेंट्रिक कैम से ही ऑपरेट किया जाता है. ये रॉकर आर्म के साथ यहां पे लगा हुआ है. इसको रॉकर आर्म रिटर्न स्प्रिंग, ये इसके साथ लिंक्स जुड़े हुए हैं. ये शाफ्ट है जो कि डायफ्राम के साथ जुड़ी है. ये रिटर्न स्प्रिंग है इसका जो कि इस डायफ्राम को आगे वापस करेगा. ये इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है. ये बीच में इसका चैम्बर है. ये इसके कंपोनेंट्स थे. आइए बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ये काम कैसे करता है. जैसे ही इंजन को स्टार्ट किया जाता है, इंजन के स्टार्ट होने पे FIP पंप ऑपरेट होता है. FIP पंप की कैम शाफ्ट घूमती है, कैम शाफ्ट असेंट्रिक कैम घूमता है और असेंट्रिक कैम के घूमने पर जब लॉब का हिस्सा इसको दबाता है तो ये नीचे दबता है. इसके नीचे दबने से ये पीछे आता है और ये शाफ्ट पीछे हटती है. और ये शाफ्ट जब पीछे हटती है तो डायफ्राम भी पीछे हटता है. जब डायफ्राम पीछे हटता है तो जो इसके अंदर वाल्व इनलेट वाल्व एक सक्शन वाल्व है और आउटलेट वाल्व जो प्रेशर वाल्व है, तो जब ये डायफ्राम पीछे हटता है तो चैम्बर के अंदर वैक्यूम पैदा होती है और वैक्यूम के कारण इनलेट वाल्व ओपन होता है. इनलेट का जो रास्ता है वो टैंक के साथ जुड़ा हुआ है और इस वैक्यूम का इफेक्ट टैंक में पड़ता है और टैंक से फ्यूल जो है वो इस वाल्व को ऊपर उठा के चैम्बर के अंदर चला जाता है. और जैसे ही असेंट्रिक कैम के लॉब का हिस्सा यहां से हटता है, रिटर्न स्प्रिंग से ये रॉकर आर्म पीछे हटती है, लिंक पीछे हटते हैं और स्प्रिंग जो है वो उसको डायफ्राम को आगे डीजल के ऊपर दबाव डालता है. और डीजल के ऊपर दबाव प्रेशर, जब डीजल के ऊपर इस चैम्बर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है तो ये प्रेशर वैक्यूम वाल्व जो इनलेट वाल्व है बंद हो जाता है, प्रेशर वाल्व जो आउटलेट वाल्व है वो खुल जाता है और जो डीजल है इस वाल्व के खुलने से डीजल इस वाल्व से बाहर निकलता है और बाहर निकल के फ्यूल इंजेक्शन पंप की फ्यूल गैलरी तक पहुंच
जाता है। ये आपका डायफ्राम टाइप पंप। दूसरा आता है आपका प्लंजर टाइप पंप। प्लंजर टाइप पंप लुब्रिकेंट सिस्टम में मैंने आपको पंप्स के टाइप बताए थे, उसमें प्लंजर टाइप पंप था। प्लंजर टाइप पंप में प्लंजर होता है, ये प्लंजर है, पिस्टन। इस प्लंजर को ऑपरेट किया जाता है, ये इस प्लंजर की शाफ्ट है और इस शाफ्ट के साथ ही ऊपर जो है वो असेंट्रिक कैम, जो कि FIP पंप की कैम शाफ्ट है, उसका असेंट्रिक कैम है, उसके द्वारा ये नीचे ऑपरेट होगा, उसके कारण ये ऊपर ऑपरेट होगा। जैसे ही इंजन चलेगा तो ये असेंट्रिक कैम घूमेगी, जब ये डीवेल का हिस्सा जो उभरा हुआ हिस्सा नहीं है वो इस शाफ्ट के ऊपर आएगा, तो ये स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर मूव करेगा तो इस चैम्बर में, ये वैक्यूम चैम्बर है, वैक्यूम, यहां पे सक्शन होती है, तो ये सक्शन जब होगी तो ये वाल्व जो है इनलेट वाल्व वैक्यूम वाल्व है, और यहां पे आउटलेट वाल्व जो है वो प्रेशर वाल्व है। तो वैक्यूम के कारण इनलेट वाल्व ओपन होगा, और इनलेट वाल्व के ओपन होने से फ्यूल जो है फ्यूल टैंक से इस चैम्बर वैक्यूम चैम्बर के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही कैम लॉब का हिस्सा, सेंट्रिक कैम का लॉब का हिस्सा जब इस शाफ्ट को नीचे दबाएगा, तो जो वैक्यूम के कारण इसके अंदर डीजल आया था उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव के कारण, प्रेशर के कारण इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और आउटलेट वाल्व जो है ओपन होगा, और डीजल यहां से आउटलेट वाल्व के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और ये सारी चीजें यहां पे फिलअप हो जाएंगी और डीजल आगे भी चला जाएगा। और जब फिर से इसको डीवेल हिस्सा आएगा तो स्प्रिंग इस प्लंजर को फिर वापिस करेगा, तो जब ये वापिस जाएगा तो इसके पीछे जो डीजल आया था उसके ऊपर भी दबाव पड़ेगा, इसे प्रेशर चैम्बर कहते हैं। प्रेशर के साथ फिर वो डीजल आगे सप्लाई होगा। ये डबल एक्टिंग है, जब ऊपर जाएगा तब भी फ्यूल आगे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तब भी फ्यूल जो है वो फ्यूल गैलरी को सप्लाई होगा। ये प्लंजर टाइप जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंगल एक्टिंग और दूसरा आपका डबल एक्टिंग। तो ये डबल एक्टिंग पंप है, फीड पंप है। आइए बात करते हैं हैंड प्राइमिंग पंप के बारे में। प्राइमिंग पंप, हैंड प्राइमिंग पंप, हैंड प्राइमिंग पंप जो है वो फीड पंप के ऊपर या फिल्टर, फ्यूल फिल्टर के ऊपर फिट रहता है। हैंड प्राइमिंग पंप को प्लंजर टाइप पंप होता है, इसके अंदर ये बाहर की बॉडी, ये बाहर की बॉडी, ये इसकी शाफ्ट, और इसके अंदर एक प्लंजर या पिस्टन, और इसको ऑपरेट किया जाता है हाथ के द्वारा, हैंड के द्वारा पंपिंग इसके द्वारा की जाती है। इसका यूज इंजन की रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन, पोजीशन में इसका यूज किया जाता है। ये सिंगल एक्टिंग पंप होता है, और इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज तब किया जाता है जब फ्यूल सप्लाई सिस्टम में एयर को निकालना है तब इसका यूज किया जाता है, या फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल सप्लाई नहीं हो पा रहा है तब इसको इंजन के रेस्ट पोजीशन में पंपिंग इसकी द्वारा की जाती है, और फ्यूल जो डीजल टैंक से FIP पंप तक पहुंचाया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। थैंक यू।